यदि आप कुछ इस तरीके के एलईडी वाले जलाते हैं तो आपको 3 से 5 घंटे तक का बैकअप मिल सकता है। ये मैंने एलईडी लगा दिया इस साइड और करता हूँ पावर ऑन, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देख सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल आइकन हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब चीज़ों से एक होममेड इन्वर्टर कैसे बनाएं। तो जो हमारा होममेड इन्वर्टर रहेगा वो आप लगभग 2 से 3 आवर का बैकअप देगा। सबसे पहले हमें चाहिए डीसी सीएफएल चोक कुछ इस तरीके का, और 2 हमने ट्रांसफार्मर लेने हैं, ये एक 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 एम्पेयर का है और ये 3 एम्पेयर का है, 3 एम्पेयर का। और ये हमारी ये ले रहे बैटरी और इस तरीके का हम प्लास्टिक का बॉक्स ले रहे हैं। तो अब हम इन सामानों को रखते हैं साइड में। अब सबसे पहले हम लेंगे हमारे बॉक्स को, जो कि इसमें सीएफएल का ये रखा है डीसी चोक, इसे हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप से परचेस करना है, ऑनलाइन नहीं मंगाना है, वरना ये ख़राब भी आ जाता है और बहुत महंगे भी मिलते हैं। इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया है। अब हम हमारी बैटरी लेंगे और उसमें वायर ज्वाइंट करेंगे इसके। ये हमारा पॉजिटिव वाला ये रेड कलर का हैगा, इसके हम इस तरीके से बैटरी में लगा देंगे। और जो हमारा नेगेटिव वाला है ब्लैक, उसे हम नेगेटिव में लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको वायर लगा लेना है। जो हमारी बैटरी है इसे हम कुछ इस तरीके से रखेंगे इस साइड, ऐसे साइड में। अब हम इसे चार्जिंग के लिए जो वायर रहते हैं हमारे वो ले लेंगे। ये हमारे 1 एम्पियर का हमने यूज़ करा है हमारा ट्रांसफार्मर, कुछ इस तरीके का हमारा दोस्तों ट्रांसफार्मर है 12012 1 एम्पियर का, इधर कुछ नहीं है। तो अभी हम इसे वायर इसके वायर बेस में लगा देते हैं नेगेटिव में, और पॉजिटिव में वायर लगा दिए हैं रेड और ब्लैक। और जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है आप देख सकते हैं, अब हम इसे फिट करेंगे हमारे प्लास्टिक के कंटेनर में। हमारा सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर इसे साइड में रखेंगे, और जो हमारी बैटरी है इसे उठाकर, काफ़ी हेवी बैटरी है दोस्तों मेरी, अक्सर 12 वोल्ट की हेवी आती है। अब हम इस साइड में रख देंगे हमारे होल्डर को कुछ इस तरीके से, और वायर साइड में कर देंगे। जो हमारी ग्लू गन है, अब यहाँ पे हम ग्लू गन लगा देंगे इस साइड कुछ इस तरीके से लगा लेना दोस्तों आपको ग्लू गन। और जो हमारा ये है चोक, इसे हमने फिक्स कर दिया है इस तरीके से, स्टिक कर दिया था। फिर अब हम इसे कवर करने के लिए कार्डबोर्ड लगाएंगे कुछ इस तरीके का। सबसे पहले हम कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके से रख देंगे ऐसे, और हमारी जो ग्लू गन है इसे लगा देंगे साइड पर इस तरीके से। दोस्तों हमको लगा लेना है हमारी ग्लू गन को हमारे इन्वर्टर पर कुछ इस तरीके से। हमने लगा लिया है, जो हमारा इन्वर्टर है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके के एलईडी वाले जलाते हैं तो आपको 3 से 5 घंटे तक का बैकअप मिल सकता है। ये मैंने एलईडी लगा दिया इस साइड और करता हूँ पावर ऑन, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। ये देख सकते हैं, ये आपको 3 से 5 घंटे तक का बैकअप देगा दोस्तों, जरूर घर पे बनाए। ये एक बार मैं आपको पिन से भी चला कर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का होल्डर है मेरे पास, इसे मैं मेरे होल्डर में होल्ड करके रखता हूँ बल्ब को, और जो मेरी पिन है इसे इस तरीके से लगा दूँ और तो दोस्तों अब पावर ऑन कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं इसकी अभी भी लाइट बहुत अच्छी आ रही है, जहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। और जो ये वायर आपको दिख रहा है ये पूरा इस इन्वर्टर में से ही निकला है, फेक वीडियो नहीं है दोस्तों ये बिल्कुल भी। ये सब मेरे ग्लू गन के वायर रहेंगे, और ये आपको मैं भले ही दिखा दूँ इन्वर्टर उठा के, ये बिल्कुल फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ हमारे जो हमने एक वीडियो में बनाया था ओक्स स्पीकर, अब उस पर टेस्ट करेंगे हम, जो कि एरिया मैंने की कार्ड जोड़ दी है इससे, और यहाँ मेरे पास एम्पलीफायर है उससे मैं चला रही हूँ इसे कुछ इस तरीके से करेंगे, और ये पावर ऑन करेंगे और जैसे सॉन्ग प्ले करते हैं दोस्तों आप सुन सकते हैं। हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, और इस साइड भी हमारी जो छोटी एलईडी है वो भी ग्लो कर रही है। तो दोस्तों जो हमारा बेस है वो काफी हार्ड है, जो मैं आपको सुना नहीं पा रही हूँ। और जो हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं, चार्जर का पॉइंट है हमारे, जो हमने इसके अंदर एलिमीटर डाला था
जो उससे हम चार्ज कर सकते हैं इसे। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।